नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपकी आवाज। चार दिन पहले नाले में मिली लाश का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते की गई थी इकरामुद्दीन की हत्या। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित चार हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार। बिजनौर जिले के थाना शहर कोतवाली इलाके के गाँव जंदरपुर में 28 फरवरी को नाले में एक अज्ञात का शव मिला था। पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त कराई गई तो शव पहचान इकरामुद्दीन के रूप में हुई। मृतक इकरामुद्दीन गांव जंदरपुर थाना शहर कोतवाली का रहने वाला था। इकरामुद्दीन की लाश मिलने के बाद इलाके में हाहाकार मच गया था। पुलिस ने हत्या का खुलासा करने के लिए स्वाट टीम को लगाया था। स्वाट टीम ने सर्विलांस और CDR की मदद से कातिलों का पता लगाया। कातिलों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने सबसे पहले इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जाकिर को गिरफ्तार किया है और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। जाकिर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मेरे मृतक इकरामुद्दीन की पत्नी गुलशन से काफ़ी दिनों से अवैध संबंध थे। पत्नी गुलशन के अवैध संबंधों का पति इकरामुद्दीन को पता चल चुका था और इकरामुद्दीन गुलशन और मुझसे नाराज रहने लगा था। पत्नी गुलशन के कहने पर जाकिर ने अपने सगे भाई आबिद और दोस्त आस मोहम्मद के साथ मिलकर 27 फरवरी की रात को इकरामुद्दीन को बाग में ले जाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्यारोपियों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल, 1 पर्स और 1 मफलर बरामद किए हैं। पुलिस ने हत्या का कारण अवैध संबंध माना है। अपने सहयोगी राजपाल सिंह चौहान के साथ मैं राजवीर सिंह, सिटी हलचल न्यूज़। इकरामुद्दीन की जो उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी जंदरपुर का जो रहने वाला है मिली थी। उसके भाई की तरफ से, सलीम की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसको डाउट था कि उसके भाई की पत्नी जो गुलशन है, उसके फुफेरे भाई के साथ जो जाकिर नाम है अवैध संबंध थे। पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर जाकिर, उसकी पत्नी, जो जाकिर का सगा भाई या दूर का रिश्तेदार, चार लोगों ने मिल करके मफलर से गला घोट करके उसकी हत्या करके डेड बॉडी फेंक दिया था बाग में। उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, मृतक का पर्स एवं अन्य कागजात बरामद हुए हैं। मफलर भी बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस हत्या का कारण प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध था।